अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और जी यहाँ पर बन रहा है सुबह का नाश्ता, और नाश्ता दीजिए आज बन रहा है काफ़ी हैवी नाश्ता जी। आज बन रही है पूड़ियाँ, और उसके साथ मैंने बनाया है चनों का सालन, साथ मैंने थोड़ा सा जो है वो हलवा भी बनाया था। पूड़ियाँ जो थी वो मैं बाहर से ही मतलब रेडीमेड ही लेकर आई थी, बस उनको फ्राई करना था। और आजकल जैसे आपको पता है कि स्प्रिंग ब्रेक हुई हुई है तो बच्चे भी घर पर हैं, तो उन्होंने कहा कि मम्मा आज जो है वो या पराठे बनाए या पूड़ियाँ बनाए, तो मैंने कहा चलो फिर पूड़ियाँ ही बनाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ही हलवा बना रही हूँ, क्योंकि हलवा जो है वो और कोई भी घर में नहीं खाता पूड़ियों के साथ। एक मैं खाती हूँ और थोड़ा बहुत जो है वो आयशा भी ले लेती है। और आप लोग बताएं किस किस को जो है वो पूड़ियों के साथ जो है वो हलवा भी अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी बस मैंने थोड़ा सा ही हलवा बनाया था, क्योंकि मैं और आयशा ही थी हलवा खाने वाली। तो जी यहाँ पर हमारा जो है वो होटलों वालों की तरह जो है वो ऑरेंज ऑरेंज का हलवा रेडी हो गया। और ये पूड़ियाँ मैं लेकर आई थी, ये रेडीमेड मिलती हैं, और अगर जो दुबई में रहते हैं तो उनको ये मिलेंगी सफारी मॉल से, और भी बहुत सारी जगह से मिलेंगी, लेकिन मुझे जो है मैं जो लेकर आई थी वो सफारी मॉल से लेकर आई थी। और बस यहाँ पर ऑयल गर्म किया और बस इसमें ये डालें, और ये इतनी मज़े की फूल जाती हैं और बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। तो जी यहाँ पर हमारी जो है वो पूड़ियाँ, आप देखिए कितनी मज़े की पूड़ी हुई, बहुत सॉफ्ट पूड़ियाँ थी। साथ हलवा भी रेडी हो गया, साथ चने का सालन भी रेडी हो गया, और साथ मैंने ये प्याज पतले पतले काट कर इसमें अचार जो है वो एक चमचा अचार बीच में डालकर हाथ से मसल दिया था। तो ये जी अचारी प्याज भी रेडी हो गए, और बहुत मज़े का नाश्ता जो था वो, और हैवी नाश्ता जो था वो हम लोगों ने किया। तो जी बस यहाँ जब नाश्ते से फारिग हो गई थी, तो उसके बाद अब मैंने सोचा रमज़ान आने वाला है, थोड़ी सी रमज़ान की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली थी, क्योंकि रमज़ान में फिर इतना टाइम नहीं होता, वो पता है फिर चाट बनाओ, फ्रूट चाट बनाओ, तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती, तो फिर चटनी का टाइम नहीं होता। तो बस मैं चटनी बना के फ्रीज़ कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने अदरक और लहसुन भी जो है वो भी मैंने छील कर काट लिए थे उनको भी, तो वो भी मैं पीस लूँगी। तो वो ये है कि आपको जो है वो कुकिंग करते हुए बार बार अदरक लहसुन पीसना नहीं पड़ेगा, वो पिसा हुआ ही पड़ा होता है। देखिए हमारा अदरक लहसुन जो है मैंने पीस लिया, इसके साथ मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली भी बीच में डाली थी, और थोड़ा सा मैंने जब इसको ये पीस लिया तो मैंने बीच में जो है वो हाफ कप पानी भी डाल दिया, क्योंकि मैं इसको जो है वो आइस ट्रे के अंदर फ्रीज करूँगी, तो फिर ये जब बहुत ड्राई होता है तो ये इतना अच्छा फ्रीज नहीं होता, तो मैंने बीच में थोड़ा सा जो था वो पानी भी ऐड कर दिया। और अब जी यहाँ पर हम चटनी पीस रहे हैं। तो जी बस यहाँ पर हमारी चटनी भी पीस ली थी, बस अब इनको जो है पहले वो जो है मैंने अदरक और लहसुन जो है उनको पहले मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो यहाँ पर मेरे पास जो आइस ट्रे थी वो दो ही थी, तो फिर मैंने दो ये मेरे पास इस तरह के जो रेक्टेंगल शेप में ये थे बाउल थे, तो मैंने इसके अंदर भी डाल के और इनको देखिए इस तरह मैंने पहले फ्लैट कर लिया, और फिर इसके अंदर कट्स डाल दिए, क्यूब्स की शक्ल इनको दे दी। तो बस इसको भी मैंने पहले फ्रीज़ कर लिया, और बस जब ये मेरे फ्रीज़ हो गए थे तो इन्हीं ही चीज़ों में मैंने इन्हीं बर्तनों में फिर मैंने अपनी चटनी भी फ्रीज़ कर ली। तो बस जब अदरक और लहसुन को मैंने सेव कर लिया, तो फिर इसके बाद जो थी वो मैंने ग्रीन चटनी को भी सेव कर ली। और इस तरह आप क्यूब की शेप में इसको अगर कर लेना सेव, तो उसका ये आसान होता है, बस जब आपको चाहिए होती है तो आप एक क्यूब निकालें और यूज़ करें। और जी यहाँ पर ये देखिए अदरक और लहसुन भी जो है वो हमारे फ्रीज हो चुके हैं, बस जब आपको कुकिंग करनी है उसमें से एक क्यूब चाहिए दो चाहिए वो आप अपनी कुकिंग करते हुए अपनी हंडिया में डालें। और जी यहाँ पर ये जी आयशा ने अमेज़ॉन से ऑर्डर दिए थे, नेल के कुछ स्टिकर से थे, वो
उसके स्टिकर आ गए, वो जी बैठ गई अपनी स्टिकर देखने में, और जी मैंने साथ जो थी वो जल्दी जल्दी जो थी वो रमज़ान के लिए इमली की चटनी भी बना ली है। रमज़ान में मेरे ख्याल में अगर इमली की चटनी ना बने ना तो वो रमज़ान लगता ही नहीं है, वो तो मस्त बनती है। और बस जी फिर उसके बाद जी टाइम हो गया था हमारे डिनर का, और जो था वो लंच तो किसी ने किया ही नहीं था, सुबह नाश्ता काफ़ी हैवी किया था, तो मैंने यहाँ पर जी बनाई चिकन, और चिकन के साथ मैंने बनाए एग राइस, जिसको कोई एग राइस कहता है और कोई जो है वो चाइनीज़ राइस कहता है। तो बस जी ये हमारा हो गया डिनर रेडी, और बहुत मज़े की जो थी वो ये वाइट राइस बने थे। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।